मुझे आज भी याद है, मेरे स्कूल में क्योंकि हरियाणा के सरकारी स्कूल में मैं थी, उनमें मटका पानी का भर के लेके आते थे और वो मटका क्लास में रख दिया जाता था। और क्योंकि मैं वाल्मीकि समुदाय से संबंध रखती हूँ, मतलब सभी क्लास में सारे पानी पीते थे, लेकिन हमें नहीं पानी पीने दिया जाता था, क्योंकि हम उनके घरों में काम करते होते थे, झाड़ू लगाते थे, मैला उठाने वाला ऐसा गंदा काम उनके अनुसार करते थे, तो पानी वो खुद पिलाया करते थे हमें डाल के। अधिकार नहीं था कि आप पानी ले, हम अपने आप अपने हाथ से नहीं ले सकते थे। मुझे आज भी याद है, हमारे यहाँ वर्दी पहनने के लिए थी स्कूल यूनिफॉर्म, में यूनिफॉर्म थी, गुलाबी कमीज, सफ़ेद सलवार और सफ़ेद दुपट्टा। लेकिन दलित एससी जिसको संबोधित किया जाता है, उसमें जितने भी हम स्टूडेंट थे, हमें यूनिफॉर्म स्कूल से मिलती थी। अच्छा। वो ब्लू कलर का होता, नीला, फीका नीला बल्कि। हाँ। और दूर से पहचाने जाते थे बच्चे कि ये दलित कम्युनिटी के बच्चे हैं। मुझे जब ये वर्दी का कपड़ा जो मुझे मिला, मैंने एक दिन ऐसे ही कहा टीचर को, मैंने कहा सर, मास्टर जी, जब आपको कपड़ा ही देना है तो आप हमें सफ़ेद दे दीजिए या पिंक दे दीजिए। आपने कहा है सर? तो मास्टर जी ने मुझे बहुत ख़राब शब्दों में तुरंत ये कहा, अच्छा अब तेरे से पूछना पड़ेगा मुझे कि कौन सा कलर का हमें देना चाहिए कौन सा नहीं। एक बार मैं इसको बल्कि बहुत मुश्किल से बता पाती हूँ, पानी एक बार बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई थी, पानी पीने चले गए। एक हमारे यहाँ स्कूल के पास ब्राह्मणों के घर हैं, तो जब वहाँ हम गए पीने के पानी के लिए, सभी लड़कियों ने पानी पिया। जैसे ही मैं नलके की तरफ लगी, वो ब्राह्मणी एकदम घर से बाहर आई। उसने तुरंत मुझे आते ही डांटा कि हैं चूड़े चमारों के, तुम क्या कर रहे हो, भागो यहाँ से, नलका खारा पानी देना शुरू कर देगा। इतनी बुरी तरह से मतलब बोला, मतलब एकदम ठेठ, जो एक सीधा कास्टिज्म का जो बनता है। तब मुझे लगा कि कुछ है अलग जो इस वर्दी की वजह से है।